दोस्तों, बाहुबली 2 का रिकॉर्ड टूटते ही दीपिका का आया ऐसा रिएक्शन जिसे देखकर आप भी खुश हो जाएंगे और दीपिका का ऐसा पागलपन आपने कभी भी नहीं देखा होगा। जी हां दोस्तों, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम की फिल्म पठान ने बहुत बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। फिल्म पठान ने अपने रिलीज के 38वें दिन हिंदी बॉक्स ऑफिस सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। अभी तक ये रिकॉर्ड साउथ की फिल्म बाहुबली 2 के नाम था। इस फिल्म ने हिंदी बॉक्स ऑफिस पे 510 करोड़ कमाई करके सबसे आगे बनी हुई थी। इस तरह से शाहरुख खान की फिल्म ने अब करीबन 6 साल पुराने प्रभास की इस फिल्म को यानी बाहुबली 2 के रिकॉर्ड को तोड़ के नंबर 1 कुर्सी को हासिल कर लिया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं कि शाहरुख खान की फिल्म पठान 25 जनवरी 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पे लगे हुए आज 38 दिन पूरे हो गए हैं। बीते दिनों शुक्रवार को फिल्म ने 1.5 करोड़ की कमाई की थी। इस तरह से फिल्म ने हिंदी बॉक्स ऑफिस पे 511 करोड़ की कमाई अब कर ली है। बताते चले कि फिल्म बाहुबली 2 ने हिंदी बॉक्स ऑफिस में 510 करोड़ का कलेक्शन किया था, लेकिन अब शाहरुख खान की फिल्म पठान ने इससे ज्यादा कमाई करके ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, जिसे देखकर फैंस ये कयास लगा रहे हैं कि शाहरुख खान की आने वाली फिल्म भी काफी अच्छा कलेक्शन करने में कामयाब हो पाएगी। सबसे खास बात यह है दोस्तों कि प्रभास की ये फिल्म बाहुबली 2 ने इतनी कमाई करने में सिर्फ 3 महीने का समय लगाया था, लेकिन वहीं पठान की अगर बात करें तो इस फिल्म ने मात्र 1 से 1.5 महीने के समय में ही इस रिकॉर्ड को तोड़ के और अपना नाम कायम कर लिया है। वहीं भारत में हिंदी, तमिल, तेलुगु तीनों भाषाओं का अगर अब तक का कलेक्शन देखा जाए तो 18.26 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। और ये सारा रिकॉर्ड देखने के बाद अब दीपिका पादुकोण का एक अलग ही रिएक्शन आया है। जैसा कि आप इस पागलपन को नहीं देख सकते, क्योंकि ऐसा पागलपन मैंने भी आज तक कभी नहीं देखा दीपिका पादुकोण के सर पे। दीपिका पादुकोण का कहना यह था कि मैंने जब शाहरुख खान के साथ पहली फिल्म अपनी चेन्नई एक्सप्रेस की थी तो एक अलग ही एक्सपीरियंस मुझे देखने को मिला था, और सेम जब मैंने इतने दिनों के बाद शाहरुख खान के साथ फिल्म पठान की है तो इसका एक अलग ही एक्सपीरियंस मुझे देखने को मिला है और इनके साथ काम करके मुझे हमेशा से मजा आया है। साथ ही दोस्तों, दीपिका पादुकोण ने बताया कि मेरा जो शाहरुख खान के साथ रिलेशन है वो काफी अच्छा रिलेशन है और साथ ही इनकी जो फैमिली है वो भी मुझे काफी सपोर्ट करती है। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं, सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म पठान दीपिका पादुकोण जॉन अब्राहम की बहुत ही बड़ी सक्सेसफुल एक फिल्म साबित हुई है, जिसे देखकर फैंस जो है वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। और जो शाहरुख खान के फैंस है या फिर दीपिका पादुकोण के फैंस है वो अब इनसे उम्मीद लगा रहे हैं कि इनकी जो आने वाली अगली फिल्में होंगी वो भी ऐसी सक्सेसफुल और ऐसी जबरदस्त तरीके से उनको देखने को मिल रहे हैं। बाकी हमको अब देखना यह है कि जो इनकी जवान और डंकी जैसी फिल्में आ रही हैं वो बॉलीवुड के अंदर क्या कमाल कर पाती हैं।